सुनील प्रताप सिंह और मैं पिछले 7-8 साल से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ही हूँ। और एज ए फ्रीलांसर मैंने अपनी जर्नी जर्नी शुरू की थी और पिछले 3 साल से ट्रेनिंग में आ गया हूँ। अभी अभी तक एज ए कंसल्टेंट, एज ए एसईओ कंसल्टेंट, पीपीसी कंसल्टेंट मैंने काम किया कंपनीज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। और धीरे धीरे वो स्किल को अब मैं दूसरों को सिखाने के लिए एज ए ट्रेनर की तरह भी काम करता हूँ साथ में। दोनों ही चीज पैरेलली चल रही हैं। और इस बीच में ट्रेनिंग या कंसल्टेंसी के अलावा भी मैंने कुछ काम किए डिजिटल ऑनलाइन स्टार्टअप जैसी चीज, जैसे कि एक जार्विस नाम से एक काम था जिसमें बिग बास्केट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो फेल हो गई ये सारी चीजें। लेकिन फिलहाल मैं ये दो चीजें कर रहा हूँ। आप और अभी कोर्स के बारे में आते हैं कि कोर्स में ज्यादातर लोगों की क्वेरी ये रहती है कि कितने टाइम का कोर्स रहेगा और टोटल कितने मंथ्स में या कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो ये जो कोर्स है कम्प्लीटली, इसमें इतना वाइड है कि कम से कम अगर आप हर एक टॉपिक पे डेली 1 घंटा या 1.5 घंटे का एक सेशन हो तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं, जो कि मैंने देखा हुआ है। अभी लॉकडाउन में जब ये ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन से मैंने शुरू की हैं, उससे पहले ऑफलाइन क्लासेस थी, तो तब अराउंड 3 महीने हो जाता था। लेकिन अब 2.5 महीने के अंदर ये कोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी लोग टाइमली होते हैं, कोई लेट नहीं होता और क्लासेस का जो एक फिक्स टाइमिंग है उसी टाइमिंग से चीज़ें चलती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए आपका 3 महीने का कोर्स रहेगा। और इसके बाद जब ये कोर्स है, इसके अंदर हम इन डेप्थ ये करेंगे। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि थ्योरी बता दी, बस थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज पीपीसी। नहीं, एक्सप्लेनेशन बहुत कम रहेगा, लेकिन इसका फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। जैसे ये है, ये माइंड मैप पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। जब भी लाइव क्लास में ही ऐसे रहता है, जैसे ये क्लास ये है, उसका माइंड मैप है, एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं टॉपिक से, कॉन्सेप्ट से, व्हाट इज द टॉपिक, उसको एक्सप्लेन करते हुए जो भी इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद सपोज मान लो यहाँ पे आया आपका अमेजन प्रोग्राम, तो मैं आपको अमेजन प्रोग्राम पे जाके, एफिलिएट प्रोग्राम जो अमेजन का है, वहां जाके रजिस्टर करके दिखाऊंगा। इवन आपको ये बताऊंगा कि वहां पे किस तरह से अर्निंग करेंगे, वहां से लिंक कैसे क्रिएट होंगे। ये पूरा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे रहेगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्स रहेगा। उसके अलावा आप फीस का क्वेरी रहती है ज्यादातर लोगों की कि फीस क्या रहेगी। तो इसकी जो फीस, रेगुलर फीस पहले ऑफलाइन जब क्लासेस थी तब 20,000 था इसका, मतलब 30,000 था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को 20 कर दिया जब से ये लॉकडाउन हुआ, 6 महीने हो गए। फिर उसके बाद अब मुझे इस बैच के लिए फीस को थोड़ा डाउन किया। उसका रीजन, कई सारे रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब लॉकडाउन के बाद से, जब भी स्टूडेंट्स ही आते हैं ज़्यादातर, और कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं जिनकी बिजनेसेस बंद हो गई हैं या फिर लोगों की जॉब छूट गई हैं, तो वो लोग आते हैं। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों को। तो पहले ये स्ट्रक्चर था कि वन टाइम में 20,000 रुपये की फीस थी, लेकिन अब उसको थोड़ा चेंज कर दिया है। 15,000 रहेगी ओवरऑल फीस, नो जीएसटी और या कोई हिडन या एक्स्ट्रा फीस नहीं है। और इवन अगर आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको कोर्स जो है, सिलेबस जो है, सिलेबस का मैंने पीडीएफ मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपके पास नहीं गया है तो अभी मैं कोर्स के सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा। तो ज्यादातर इंस्टीट्यूट का मैंने देखा, मैं ये नहीं क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि कोर्सेज जो हैं उनका पुराना सिलेबस है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ये वो नहीं है कि आपने आर्ट की क्लास या एमबीए की क्लास है कि वही बुक्स हैं चली आ रही हैं सालों से, वही पढ़ना है। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। अगर आप कहीं जॉब करने जाओगे और उसने कहा कि आप फेसबुक ऐड चला के दिखाइए, तो अगर आपने पुराने, जैसे फेसबुक ऐड तो चलो जैसे ही आप सीख रहे हो तो साथ ही साथ आता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आए दिन नए आ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। फेसबुक में नए ऐड ऑन हो जाएंगे, गूगल में नए ऐड ऑन हो जाएंगे, जो चीजें आज से 2 साल पहले काम करती थी आज नहीं करती हैं। तो जो नई चीजें भी आई हैं डिजिटल मार्केटिंग में, उसको भी मैंने कोर्स में इन्वॉल्व किया है। जैसे ये डेटा स्टूडियो है, जो एक तरह से रिपोर्टिंग के काम आता है, जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो तो विजुअल रिपोर्ट क्रिएट करने के काम आता है। ये बहुत सारे कोर्सेज में मैंने देखा है, नहीं है लोगों के, तो उसको भी ऐड किया। रीजन है उसका कि आप कोर्स करके जाते हो और कंपनीज को तो एक
वेल ट्रेन पर्सन चाहिए, जिसको कंपनी चाहे, जो भी कंपनी को काम कराना है उसको आना चाहिए। तो अगर आप कंपनी जितनी भी हैं वो करंट के सिनेरियो पे काम करती हैं, तो आपको अगर कोई कुछ टूल नहीं आ रहे होंगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डेटा स्टूडियो होगा, जैसे गूगल टैग मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये एनालिटिक्स के केस में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज की डेट में है ये, और बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं अभी तक। और फेसबुक बिजनेस मैनेजर ये थोड़ा पुराना हो गया, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बगैर फेसबुक ऐड, और अगर आप एज ए फेसबुक एजेंसी बनाते हो या फिर एज ए फेसबुक मैनेजर या फेसबुक मार्केटिंग कंसल्टेंट बनते हो, फ्रीलांसर की तरह काम करते हो, मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज करते हो, तो उसके लिए आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर चाहिए ही चाहिए, और आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोगों को ज़्यादातर फेसबुक ऐड तक पता होता है, फेसबुक ग्रुप के बारे में पता होता है, मैसेंजर का कैसे करते हैं, लेकिन फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्स में हर वो नई चीज़ जो भी आती रहेगी वो इसमें है। उसके अलावा जब आप कोर्स करते हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने तो अपने जो स्किल थी या फिर मेरी जो नॉलेज थी मैंने पास ऑन कर दी, बट हाउ आई विल नो कि आपको जो मिला है वो बिल्कुल सही है और आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। एज ए टीचर ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि आप सीख रहे हो या नहीं। अगर नहीं सीख रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें रेगुलरली चलती रहती हैं क्लास में। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, आज मैंने कुछ पढ़ाया आपको, जैसे गूगल टैग मैनेजर बताया, तो आई विल गिव यू वन असाइनमेंट, आप घर से ये काम करके लाएंगे, अपनी वेबसाइट पे गूगल टैग मैनेजर को अटैच या कनेक्ट करके लाएंगे। तो ये काम आप करके नेक्स्ट डे मुझे या तो प्रॉब्लम पूछेंगे या फिर मुझसे ये कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये कर लिया, यू विल से यस, तो टोटली फाइन, वी विल मूव फर्दर। अगर नहीं तो देन वी विल टॉक अबाउट इट कि क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ आप रुके। तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसी क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से क्लास होती है, क्लास के नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन आपका सेशन होता है, जो भी डाउट सेशन है, अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इट्स फाइन। फिर पूरा टॉपिक जब खत्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल फेसबुक खत्म हो गया, पूरा पूरा फेसबुक के सारे पार्ट हो गए, तो फेसबुक के सारे पार्ट के बाद फिर उसकी डाउट क्लास होगी कि इसमें से कुछ तो नहीं है जो आपको ना समझ आ रहा हो। तो इस तरीके से रहता है फ्लो। जो आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक लिंक दूंगा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए है ये लिंक, और ज्वाइनिंग के लिए ओनली 100 रुपीज़, जिससे कि कंफर्मेशन हमें भी हो जाता है कि हाउ टू प्लान द बैच। बैच में ज़्यादा लोग नहीं रहते, मैक्सिमम 5 से 10, 10 लोगों से ज़्यादा मैंने अभी तक बैच में नहीं पढ़ाया है, बट आई एम प्लानिंग कि हाँ मतलब 15 तक हो जाएंगे तो टोटली फाइन, क्योंकि आई नो हाउ टू मेंटेन 10 पीपल इन वन क्लासरूम ऑनलाइन सेशन में। तो 15 तक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 15 नहीं होते। होता है कि लास्ट टाइम पे बच्चे कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, कुछ लोगों की कोई ज़रूरत होती है, आजकल शादी का माहौल है तो लोग कहते हैं कि अभी नहीं, मुझे 2 महीने बाद करना है। तो मोस्टली 10 लोगों से ज़्यादा बैच में नहीं रहेंगे, और मैंने मिनिमम 8 क्यों रखा है बॉस। ये तो ठीक है, ये तो आपके मतलब की बात है कि 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, इट्स ओके, बट मिनिमम 8 लिखने का मेरा रीज़न ये था कि आई सॉ कि कई बार जब क्लास में 3 लोग होते हैं या 4 लोग होते हैं, तो होता क्या है कि कोई भी एक पर्सन नहीं आया तो उसकी वजह से बाकी 2 पर्सन क्लास को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास का साइज बड़ा नहीं है। तो जब क्लास का साइज बड़ा नहीं है तो कोई एक या 2 लोग नहीं आएंगे तो एक सिंगल बंदे को वो क्लास, उसका टाइम वेस्ट होगा, वो आएगा ऑनलाइन आएगा, फिर पता चला 2 लोग नहीं आ रहे हैं तो उसकी क्लास नहीं होगी। लेकिन जब यही 8 लोग होते हैं या 7 लोग होते हैं, तो अगर एक पर्सन नहीं है तो वो उसको ही प्रॉब्लम है, वो आएगा। वैसे रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं, सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर क्लास छूट जाएगी तो आपको मिलेगा नहीं कुछ। एवरी डे जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको क्लास के 1 घंटे बाद आपके पास पहुंच जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो सब रहता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर रिकॉर्डिंग से ही पढ़ना होता तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते थे। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर क्लास में 2-3 बच्चे अगर नहीं है तो फिर मैं उस क्लास को नहीं कराता। जब 8-9 बच्चे होंगे ना तो ये सिनेरियो नहीं आएगा, लोग आएंगे, मतलब ज्यादातर लोग प्रेजेंट रहते हैं। 1-2 लोगों में मैंने देखा है, जो लोग सिंसियर होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि इतने बैच की स्ट्रेंथ रहे। अब इस कोर्स को जब आप कर लोगे तो उससे आपको लर्निंग क्या होगी, इससे फायदा क्या होगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जब होते हैं तो स्टूडेंट्स का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि दे नीड जॉब, जॉब के लिए वो कोर्स करना चाहते हैं। तो अब आप
केस देखिए, जब से ये कोविड हुआ है तब से तो आपको पता है कि हाँ, हर एक कंपनी डिजिटल मार्केटिंग में आ गई है। हर एक कंपनी को एक डिजिटल मार्केटर चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग की इंपोर्टेंस सबको समझ आ रही है। तो अभी आप देखेंगे, ये एवरेज सैलरी है जो पे स्केल से मैंने निकाली थी आज ही, मतलब 2 दिन पहले। तो ये एवरेज सैलरी यानी पे आउट इज गुड। इनिशियल पे आउट अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 या 20 हज़ार रहता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी। अगर आप छोटी कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियसली दे हैव लेस बजट। छोटी कंपनी कभी भी आपको पैसा आपकी स्किल का नहीं देती, छोटी कंपनी पैसा देती है अपने बजट के हिसाब से। तो पे स्केल इज गुड, क्योंकि मैं भी 6-7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने देखा है एज ए फ्रीलैंसर भी अगर आप काम करोगे तो देन यू विल फाइंड कि आप एक साथ 3 प्रोजेक्ट हैंडल करते हो, तो देन हर एक प्रोजेक्ट का आपको 10 हज़ार अगर क्लाइंट पे कर रहा है तो ऑब्वियसली 30 हज़ार रुपये आप इनिशियली कर सकते हो। तो और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोर्स कर लोगे आप 30 हज़ार कमाने लगोगे। नो, इट्स स्किल आपके पास आ गई, एफर्ट्स फिर भी डालने हैं आपको, काम करना है, मतलब वो तो करना ही पड़ेगा एफर्ट्स। जॉब के लिए, जॉब के लिए मैं क्या हेल्प करता हूँ वो बताऊंगा अभी। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक देखते हैं, चल मेरी कहना आप मत मानिए, एक बार जरा इस तरह के पोर्टल देखिए जहाँ जॉब्स निकलती हैं, वहां पे देखिए अभी करंट टाइम पे 12,631 जॉब्स हैं, ठीक है। और मोस्टली इंडिया, ये इंडिया की हैं सारे, है ना, IN है ना ऊपर, तो सारे इंडिया की हैं ये। तो ये तो एक पोर्टल है, और इसके अलावा अगर आप गूगल पे ही डाल दो डिजिटल मार्केटिंग, सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक जॉब नहीं होती डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से अम्ब्रेला टर्म है डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो चैनल्स होते हैं जिन पे हमें काम करना पड़ता है। तो हर एक प्रोसेस और फंक्शन में को डिवाइड कर दिया गया, जिसको आप लोग मॉड्यूल बोलते हो। तो मेजर जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके हैं SEO और PPC, और इसको हम एडवर्टाइजिंग या पेड एड्स भी बोलते हैं। PPC को अगर हम डिवाइड करें तो सर्च एड एंड सोशल सोशल एड होते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सोशल मीडिया। ठीक, तो सोशल मीडिया में आप देखिए इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स एक तरीके से क्रिएट होते हैं। जैसे फेसबुक खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और फेसबुक के अंदर भी आप देखेंगे सब मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि फेसबुक एड, फेसबुक टूल्स, फेसबुक ग्रुप, ये सारे मैनेज करने के। तो मेजर पार्ट फेसबुक के दो हो जाते हैं, एक तो पेड एड और एक ऑर्गेनिक मैनेजमेंट। ऐसे ही ट्विटर होता है, ऐसे ही पिंटरेस्ट है जो कि कोर्स में इसमें है, और लिंक्डइन हो गया आपका, क्वेरा हो गया। तो हर एक मॉड्यूल की अपनी एक जॉब है, हर एक मॉड्यूल के अपना एक जॉब प्रोफाइल है। जैसे SEO है, तो देन यू विल सी कि SEO एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जॉब जो निकलती है, सबसे इनिशियल जॉब है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। अब आप देखेंगे जॉब्स, जैसे ही मैं डालूंगा ऐसे, देन लॉट्स ऑफ जॉब्स। और रिसेंटली 18 मिनट पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, सिर्फ नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर मैं थोड़े फिल्टर इसके हटा दूँ तो लॉट्स ऑफ जॉब्स, मतलब ये सीनियर SEO, SEO एनालिस्ट, देखिए SEO मैनेजर और मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये सारे जॉब। उसके अलावा फिर PPC की बात करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सी PPC में एग्जीक्यूटिव की जॉब, और जितने भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जो भी, वॉट एवर कंपनी आस्क फॉर स्किल्स, आई विल टीच एवरीथिंग। अगर कुछ भी रह जाता है इन द लास्ट, यू कैन से कि ये वाला पार्ट आपने सर नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये मैंने देखा था किसी जॉब डिस्क्रिप्शन में था, मुझे ये भी जानना है, तो आई विल टीच दैट ऑल्सो। ओके, और पेज ट्रैफिक, ये सर्च इंजन मार्केटिंग की एक तरीके से सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, काइंड ऑफ, तो ये रेगुलर जॉब निकालती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, इनिशियल जॉब यहाँ पे लगी है मेरे स्टूडेंट्स की। रीजन है उसका, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा निकलती है। इनिशियली ये एज ए इंटर्न 3 महीने के लिए 10 हज़ार रुपये हायर करते हैं, फिर प्रमोट कर देते हैं। तो बच्चों के लिए भी सहूलियत है, और यहाँ पे नियर बाई की बच्चे ज्यादातर पढ़ते थे जब ऑफलाइन था, तो जॉब्स की कमी यहाँ है नहीं। यहाँ पे देखिए जितने भी ये टॉपिक हैं, वी विल कवर ऑल, कोई भी जॉब आप उठा लीजिए। इसके अलावा आपकी जॉब आती है SEO, सोशल मीडिया। सी सोलोमो, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी इन्होंने बताया है कि क्या करना है, कौन सा टूल, क्या नहीं, जो भी ये बताएंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। SEO देखिए, वेब ट्रैफिक मैट्रिक्स, एवरीथिंग, फेसबुक टाइमलाइन कवर, ये सारी चीजें। तो ये मैं सिलेबस के बारे में आपको बता रहा था, और
जॉब टाइटल्स वही कि क्या क्या जॉब्स हैं हर हर एक का। जैसे फेसबुक एड मैनेजर की खुद में बहुत बड़ी जॉब है, इसको तो बहुत सारी कंपनियां आजकल हायर कर रही हैं क्योंकि फेसबुक ट्रेंड में है। फेसबुक के थ्रू लोग लीड जनरेशन बड़ा आसान है क्योंकि जहां पे लोग वहां पे मार्केटिंग, तो लोग कहाँ हैं, फेसबुक पे, तो ऑब्वियसली मार्केटिंग भी वहीं होगी। तो इसलिए फेसबुक ऐड के लिए आप देखिए, ओके, बहुत सारी जॉब सेम वही जो चीजें कवर करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक। मस्ट हैव हैंडल बजट ऑफ 5 लाख पर मंथ, ओके जी। एक्सपीरियंस्ड के लिए जॉब है, हम यहाँ फिल्टर लगा देंगे तो फ्रेशर के लिए होगी, जो भी होंगी वो दिखाई देंगे। इसके अलावा क्या होगा कोर्स में, आपको एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि एक मार्केटर एकेडमी, मेरा इंस्टीट्यूट है जो गाजियाबाद में है, उसके नाम से सर्टिफिकेट है, वो मिलेगा। उसके अलावा गूगल के और कुछ कंपनियां और हैं जिनके सर्टिफिकेट्स हैं, वो फ्री सर्टिफिकेट हैं। और जो कोर्स है उस कोर्स में वो सारे सर्टिफिकेट्स का कोर्स कवर हो जाता है। तो आपको ये सर्टिफिकेट प्लस ये सर्टिफिकेट आप खुद से करोगे, हम नहीं देंगे क्योंकि आप आपका नाम आएगा उस पे, आपको एग्जाम आपको देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो ऑलमोस्ट 10-15 सर्टिफिकेट आपके पास हो जाते हैं अगर आपको जरूरत होती है जॉब में तो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सच बताऊंगा आपको, अगर कोई अच्छा एचआर है और कोई इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है तो वो कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देखता, वो ये देखता है स्किल है आपके अंदर या नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप कितने साउंड हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके लिए ये कोर्स इसलिए जरूरी है कि आपकी जो सेल्स और मार्केटिंग टीम होती है ना, उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते रहे अब तक, उनको ये आइडिया नहीं है कि हाउ टू जनरेट लीड फ्रॉम डिजिटल डिजिटल मीडियम। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है अगर, तो देन यू कैन हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो। और उसके अलावा ये भी होता है कि कभी मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हुए हैं जिनके लिए आजकल मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, उन्हीं का केस है ये, कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हम ये कर देंगे, पैसे चले जाते हैं उनके, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आते और मंथली रिपोर्ट भी जाती है उनके पास। तो अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये प्रोसेस मैं बताऊंगा कि हाउ टू हायर पीपल एंड वॉट टू लुक फॉर वेन यू आर ट्राइंग टू हायर समवन टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो ये प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, समवन आस्क्ड समथिंग, सर डू अमेज़न आल्सो हैव सम डिजिटल मार्केटिंग? या प्रभजोत जी, डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, दीज कंपनीज आर हार्डकोर ऑनलाइन कंपनी, इनको बगैर डिजिटल मार्केटिंग के काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जॉब निकलती है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखा देता हूँ, बाकी सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ दूंगा, आप लोग पूछ सकते हो चैट में, मैं एक बार ये खत्म कर लूँ फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है? तो उसके अलावा तीसरी तरह के लोग जो आते हैं कोर्सेज में, पिछले 3 साल में मैंने देखा है कि ज्यादातर हाउसवाइफ्स जॉब करते थे, वो शादी हो गई और देन बिकॉज ऑफ सम रीजंस उनको 2 साल 4 साल या 5 साल का गैप हो गया, नाउ दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, तो उनको कोई स्टार्ट चाहिए। उनके पास देखो जो जॉब छूट गई उसके बिहाफ पे तो कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि ऑलरेडी गैप हो चुका है, और इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड दैट काइंड ऑफ जॉब, 9 to 5 नहीं कर सकते, बच्चे होते हैं, तो घर फैमिली भी देखनी है और कैरियर भी देखना है। तो इन दोनों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन डिजिटल मार्केटिंग ने आके खोला है, जैसे मैं हूँ, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम सिंस लास्ट 8 ईयर, कभी भी मैं 9 to 5 जॉब नहीं की। तो मुझे ये समझ आता है कि हाउसवाइफ की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ये रहती है कि घर से कैसे काम करें, और घर से काम करने के लिए ज्यादातर स्कैम चलते हैं। स्कैम क्या होते हैं कि फॉर्म फिल करो, डेटा एंट्री का काम करो, ये सब स्कैम है, कभी भी ये काम नहीं करना है, ये सब मैंने टेस्ट कर लिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्कैम है। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ एथिकल चीजें जो हैं, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे, जो एक्चुअल में लोगों को वैल्यू डिलीवर करती है, उसके पीछे वो, उसकी वजह से वो आपको पैसे देते हैं, वो वैल्यू डिलीवर करेंगे, आप वैल्यू डिलीवर करोगे अपनी स्किल से, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तो दैट इज द एथिकल वर्क। लेकिन वो क्या है कि आप फॉर्म फिल करो, एड देखो, आपको पैसे मिलेंगे, तो इसमें क्या वैल्यू डिलीवर हो रही है, ये एक काइंड ऑफ स्कैम लगता है, सेडी थिंग है ये। तो उन लोगों के लिए ये है कि स्किल वही सारी सीखने के बाद फिर आपको एज ए फ्रीलैंसर, इसमें आप आगे चल के मैं बता रहा हूं अभी कि फ्रीलैंसर्स, क्योंकि मैंने फ्रीलैंसिंग का काम किया तो मुझे पता है कि प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं, मैंने लिए हुए हैं, तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि जो चीजें मुझे आती हैं सारी आपको सिखाऊं। तो स्पेशली
इस कैटेगरी वाले लोगों के लिए वो वाला मॉड्यूल बहुत जरूरी है जो फ्रीलैंसिंग काम करना चाहते हैं। मोस्टली आजकल तो स्टूडेंट भी हैं जो फ्रीलैंसिंग काम करना चाहते हैं। वी विल मतलब ये बेनिफिट्स होंगे या फिर आउटकम, ये एंड में आपको ये मिलने वाला है। अब क्या क्या सीखेंगे हम, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर आप कितने मॉड्यूल्स हैं आपके कोर्स में। तो एक पीडीएफ तो मैंने भी बनाई है जिसमें मैंने मॉड्यूल की बात की है, लेकिन जैसे जैसे शुरू में मैं भी इस चीज के लिए बहुत ऑब्सेस था कि मेरा मेरा कोर्स ऐसा होना चाहिए जिसके मॉड्यूल बहुत ज्यादा हो, लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आया कि मॉड्यूल नंबर से कुछ नहीं होता। मॉड्यूल ऐसे तो मैं हर एक टॉपिक को अलग करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इसके अंदर। अगर मैं सबको एक एक टॉपिक को एक एक मॉड्यूल बना दूं तो 100 100 मॉड्यूल्स हो गए। इट्स नॉट अबाउट मॉड्यूल, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। क्या आप ए से शुरू करें और जेड तक पहुंचने में आप अब कहीं फंस तो नहीं रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आपने ए से लेके जेड तक तो कर लिया लेकिन बीच की चीजें क्लियर नहीं आ रही, आपको हो गया पूरा कोर्स लेकिन बीच में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमजोर हैं। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि आपको शुरुआत करूं ए से और जंप ना करूं कहीं पे भी, और सिस्टमेटिकली चीजें चलें। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? कहने को तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज जस्ट टू प्रमोट योर प्रोडक्ट टू द राइट पर्सन ऑन राइट टाइम, टू शो योर मैसेज टू द राइट पर्सन ऑन राइट टाइम। तो ये है मार्केटिंग। बट ये कहना एक लाइन में है, बट ये करने का जो प्रोसेस है दैट इज होल थिंग। इट टेक्स लॉट्स ऑफ आवर्स टू प्लान कि कैसे हम राइट पर्सन को ढूंढेंगे और क्या राइट मैसेज होना चाहिए और वो राइट टाइम पे कैसे दिखेगा उसे। तो दैट प्रोसेस, होल प्रोसेस वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड आफ्टर दैट सिंपल, जब हम बिजनेस के बारे में, ये जो पूरा कोर्स है ना बिजनेस ओरिएंटेड है। मैं कोशिश यही करता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी ही वेबसाइट बनाओ और वेबसाइट बना के आप यहां से शुरुआत करो। आप समझो अपने ऑडियंस को, अपने बिजनेस को समझो, आप क्या करना चाहते हो, किससे पहुंचना चाहते हो, वो समझने के बाद फिर आप अपनी वेबसाइट बनाओ। जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी फिर हम उस वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराएंगे जो कि फ्री का मार्केटिंग है, और फ्री में रैंक कराने के बाद अगर आप ऐप बनाते हो तो देन वी विल क्रिएट ऐप टू, मतलब ऐप को कैसे प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ एक फ्री का टूल है जो मोबाइल ऐप बनाने के काम आता है, आई विल ऐड दैट मॉड्यूल ऑल्सो। वो मॉड्यूल है नहीं बट आई विल ऐड, वो एक एक सेशन के लायक है वो टॉपिक। तो अब ऐप को आपको कैसे रैंक कराना है वो डिस्कस करेंगे। फिर आपने भाई चलो ठीक है वेबसाइट बना ली, गूगल पे रैंक करने का तरीका सीख गए, अब आपको सोशल मीडिया करनी है, तो सोशल मीडिया करने के लिए ग्राफिक्स कैसे बनाओगे? ग्राफिक्स बनाना भी आना चाहिए ना। तो लेट मी शो यू समथिंग। सी आई एम नॉट ए गुड डिजाइनर बट शुरू से खुद ही कुछ फ्री टूल्स हैं जिनसे ये ग्राफिक्स बनी हुई है। अब फोटोशॉप वगैरह सीखना, यार ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा फील्ड है कि अब नए टूल्स सीखने का टाइम नहीं मिलता, ऑलरेडी इसी में इतना कुछ नया आता रहता है। तो एक टूल है बहुत इजी, कैनवा, शायद कुछ लोगों ने ट्राई किया हो, अगर करा हो तो चैट में लिख दो यस। तो वो कैनवा का टूल से हम ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं ये चीजें हम सीखेंगे, जैसे ये ग्राफिक्स है उसी से बनी है। तो हम ग्राफिक्स बनाना भी सीखेंगे क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप कर रहे हो और ग्राफिक्स नहीं आती है तो कैसे चलेगा? कल को आपको प्रोजेक्ट मिल गया फेसबुक पेज मैनेज करने का, तो आप बना के क्या डालोगे? आपको फिर एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, नो डाउट हेल्पिंग हैंड चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा ग्राफिक्स में या वीडियो मेकिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में, बट अगर आप इंडिपेंडेंटली बैठ के कहीं काम कर रहे हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा और आपको लगता है कि ये मैं अकेले काम करूं तो मेरे को दो पैसे बचेंगे, तो आप अकेले काम कर सकते हो। उस तरह की स्किल आपको दूंगा, मतलब कोई भी चीज के लिए आपको किसी की हेल्प ना। हाँ लेकिन एक लेवल आता है हर जगह, जैसे मैं भी हूँ, कंटेंट राइटिंग इज ठीक है, मेरा ग्रामर इज नॉट गुड, आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड तो मेरा थोड़ा सा है, यूपी बोर्ड वाले वैसे बहुत अच्छे हिंदी वाले भी इंग्लिश बोलने वाले भी होते हैं लेकिन मेरा नहीं है, तो मैं इसके लिए राइटर हायर कर लेता हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको एक कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको सारी चीजें आती हैं जो मार्केटर को जरूरत होती है। एक्सपर्ट नहीं बनोगे क्योंकि एक्सपर्टाइज लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट यू विल नो एवरीथिंग। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। मोस्टली मेरा जो कंसंट्रेशन रहेगा ना वो टूल को लेकर रहेगा कि टूल्स आप सीखो, और दूसरा कंसंट्रेशन रहेगा टूल्स तो चलाना सीख गए, अब आप अपना दिमाग कैसे चलाओगे,
एज ए मार्केटर दिमाग चलाना इज बिगेस्ट थिंग। जो मैनेजर बनते हैं ना उनको सबसे ज्यादा पेमेंट मिलता है, और उनको टूल नहीं चलाने पड़ते, उनको दिमाग चलाना पड़ता है। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कैंपेन। तो आपका दिमाग एज ए मार्केटर की तरह कैसे काम करे, आई विल ट्राई टू मेक दिस थिंग हैपन। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। मतलब सोशल मीडिया एक तरीके से 2020 में डिजिटल मार्केटिंग का मेजर पार्ट है, और उसमें भी फेसबुक आप देखिए तो सबसे जरूरी पार्ट है। तो हम शुरुआत करेंगे सोशल मीडिया से। ओके, ये दिस फेसबुक, फेसबुक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सी वी विल डिस्कस एवरीथिंग, देन वी विल गो टू द टूल्स जिनका यूज करके हम फेसबुक को मैनेज कर सकते हैं। ट्विटर, ट्विटर के साथ भी ऐसा ही होगा। इंडिव ऐसे टॉपिक पे गए हम, जैसे ट्विटर ट्रेंड पे, देन आई विल शो यू प्रैक्टिकली व्हाट इज ट्रेंड एंड हाउ टू मेक योर पोस्ट टू द ट्रेंड, कैसे आप ट्रेंड में आ सकते हो, वो प्रोसेस। तो वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लिस्ट क्या है और लिस्ट का यूज एक्चुअली कहाँ पे कर सकते हैं हम, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ट्विटर एड, फेसबुक एड की तरह ही ट्विटर एड होता है। मैंने कहीं फेसबुक एड मेंशन नहीं किया क्या? हाँ, ये रहा, ठीक है। तो फेसबुक एड, ट्विटर एड काइंड ऑफ सिमिलर हैं, लेकिन फेसबुक एड पे हम बहुत टाइम देंगे। फिर हम जब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी ना, तो फिर आप सारी चीजें बहुत इजीली समझ जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे आपको एक हीरो होंडा की बाइक चलानी आती है, अब आपको सुजुकी की बाइक दी गई तो आपको दिक्कत नहीं होगी। काइंड ऑफ उसी तरह का सिनेरियो रहता है जब हम ऐड की बात करते हैं। फेसबुक आपको चलाना आ गया, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक सेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग आ गया आपके अंदर, तो देन इट्स वेरी इजी टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। लाइक ट्विटर, ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड दोनों एक ही तरीके से मैनेज होते हैं, एक ही टूल से मैनेज होते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट इंस्टाग्राम ऐड टू, और इंस्टाग्राम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। लिंक्डइन, लिंक्डइन हर एक बिजनेस के लिए नहीं है। B2B की जो बिजनेसेस होती हैं, जो मोस्टली बिजनेस टू बिजनेस काइंड ऑफ नेचर की जो बिजनेसेस होती हैं, उसके लिए है। तो ऑब्वियसली आप अगर जॉब करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो आते हैं जिनका लिंक्डइन पे नहीं क्लाइंट, स्मॉल बिजनेस ओनर्स का लिंक्डइन पे कोई खास काम नहीं है, लेकिन बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो वी विल टॉक अबाउट इट। और ये बहुत जरूरी पार्ट है। क्वेरा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होता है। क्वेरा एक क्वेश्चन आंसर कम्युनिटी है। इसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पे आंसर लिख के अपने आप की पॉपुलैरिटी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पे। लाइक क्वेरा, दिस इज माई अकाउंट एंड सी दिस। मैं ज्यादा काम नहीं करता इस पे, पिछले 1-2 साल से शायद, हो सकता है मैंने कंटेंट नहीं लिखा हो, लेकिन ये फ्री की विजिबिलिटी है। इतने लोगों ने अगर कंटेंट मेरा देखा है तो इतने लोगों ने, सबको मत याद रहा हो बट स्टिल मेरा फ्री में हुआ ये सब। तो वी विल टॉक अबाउट, हाय सुनील जी और वेलकम। अब हम बात करते हैं क्वेरा के बारे में बात करेंगे, देन पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट कितने लोग जानते हैं, अगर चैट पे लिख सकते हैं तो बता दीजिएगा प्लीज। पिंटरेस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी अभी शुरू नहीं हुई, इतनी ज्यादा नहीं। हाँ, बहुत सारे यंगस्टर्स अब जानने लगे हैं इस चीज को, बट बिजनेसेस अभी भी इस पे इतना एक्टिव नहीं है, बट वेरी सुन, क्योंकि US में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमन फ्रेंडली है, जो एक्चुअली वुमन्स को, मतलब इस पे मेजॉरिटी जो पार्ट है ना वुमेन्स का है। मतलब US में जो हाउस होल्ड बिजनेसेस करती हैं लेडीज, वो इस पे बहुत अच्छा खासा प्रमोट करती हैं अपने आप को और बहुत सारा पैसा कमाती हैं। जैसे इवेंट का बिजनेस हो गया, फैशन का बिजनेस हो गया आपका, और जिसमें विजुअल अपील की जरूरत होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया बिजनेस, पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छा चलता है। कीप योर बिजनेस, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे दिस, मैं इस पे काम नहीं किया 1.5 साल से, इट्स माई अकाउंट। तो 1.5 साल से इतना टाइम नहीं मिलता, क्लाइंट कंसल्टेंसी में रहते हैं तो, लेकिन फिर आप देखेंगे फिर भी मंथली इतने व्यूअर्स हैं, और ये पहले मिलियंस में था। तो ठीक है, ओके, यानी कि आपकी फ्री में विजिबिलिटी कैसे कर सकते हो, आप वन टाइम काम करके आप इसको इस लेवल पे कैसे ला सकते हो, वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो। एनालिटिक्स वगैरह जो भी इसके अंदर है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। समवन सेंड मी टेक्स्ट, वी डू गेट मैनी इन्फॉर्म, या राइट इन्फॉर्मेशन। या पिंटरेस्ट जो है वो डिजाइन इसी तरह ऐसे करा गया है कि
लोग आइडियाज ढूंढने के लिए आते हैं, एक तरह से आइडिया बैंक है ये। अब हम बैक टू द टॉपिक। ओके हाँ, देन जब हम सोशल मीडिया का कवर कर लेंगे, अपनी बिजनेस को कैसे सोशल मीडिया पे बढ़ाते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के वैसे तो जनरली लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि लोगों को सिर्फ ईमेल भेज दो, दैट इज द ईमेल मार्केटिंग, बट दैट इज नॉट द ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग का अगर मैं राइट डेफिनेशन, क्योंकि ये टेमो है, इसमें सफिशियंट टाइम नहीं, आपकी क्वेरी का भी मुझे जवाब देना है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करके कर रहा हूँ अब जल्दी। तो ईमेल मार्केटिंग जनरली ये नहीं है कि कहीं से ईमेल आ गए और आपने भेज दिया। ईमेल मार्केटिंग ये है कि आपके कंसेंट से मैं आपको ईमेल भेजूं, आप मुझसे मुझे अपना ईमेल खुद से देने आए और फिर मैं आपको ईमेल करूं, तो दैट इज द ईमेल मार्केटिंग। तब आप मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं आपका नंबर, कितने सेल्स कॉल आते होंगे सुनील जी आपके पास, बट आप कभी भी इंटरटेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिन बुलाया मेहमान है वो, तो ईमेल मार्केटिंग वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंटेंट मार्केटिंग का यूज करके, एसईओ का यूज करके, फेसबुक ऐड का यूज करके लोगों के ईमेल कलेक्ट करेंगे, उनके कंसेंट से, उनकी इच्छा से, फिर हम उन ईमेल्स पे अपने प्रमोशंस भेजते हैं। और ये सब करने के लिए टूल्स यूज होते हैं। कैसे करेंगे वो चीज, वो प्रोसेस और वो मेथडोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे, प्लस वो टूल्स जो हैं जिनके थ्रू हम ये काम करते हैं उनका यूज करेंगे, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे करके देखेंगे, आप लोग खुद भी कैंपेन बनाओगे। फिर हम मोबाइल मार्केटिंग की बात करें, तो मोबाइल मार्केटिंग में वही मोबाइल डिवाइस जहाँ पे आपकी आती है, टेलीग्राम ज़्यादा कुछ नहीं है, व्हाट्सएप आप जानते हो वैसे टेलीग्राम है। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप बल्क कैश व्हाट्सएप कर सकते हो, उन टूल्स के बारे में बात करूंगा, आज मैंने किया था किसी को। तो ASO क्या होता है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वैसे ही ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर आपका एप्लीकेशन है तो गूगल प्ले पे और ISO जो स्टोर है आईफोन का, उन दोनों पे किस तरीके से उस ऐप को रैंक कराएंगे पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग अमेजन है, अमेजन चाहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जब कोई सर्च करे तो सबसे पहले अमेजन आए, तो दैट इज ASO, मतलब अमेजन ऊपर आया। तो वो क्या क्या प्रोसेस होती है और वो क्या क्या तरीके हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम, कैसे आपका ऐप ऊपर आ सकता है पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। वेब एनालिटिक्स, आपने काम किया, ट्रैफिक लेके आए और बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पे आ गए। अब पॉइंट ये है कि जो लोग आए उन्होंने वेबसाइट पे आके क्या किया और वो आए कहां से, क्वेश्चन मार्क है। आपने चार जगह पोस्ट शेयर की, फेसबुक पे, ट्विटर पे, क्वेरा पे। अब चार जगह में से इसमें कितने लोग आए, क्या हुआ, पता नहीं। मतलब ये तो बस ऐसा चल रहा है कि आप अंधेरे में काम कर रहे हो। अब अंधेरे में काम तो कैसा होता है ये तो आप जानते हो, हम भी जानते हैं। तो ये अंधेरे में काम ना हो, इसलिए वेब एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें हम क्या होता है, हम एक टूल को कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से। ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि ये पर्सन आपका कहाँ से आया, ये हमें बताएगा। ये पर्सन कहाँ से आया, ये बताएगा। और ये आने के बाद इसने वेबसाइट पे क्या किया, कौन सा बटन दबाया, कौन सा फॉर्म। अब दो तीन लोग आए थे, तीन लोगों में से दो आदमी ने फॉर्म भरा, ये आपको पता चल गया, आपके पास डिटेल आ गई। अब एक ने भरा नहीं है अभी, अब इसको कैसे आप टारगेट करोगे, तो वो सारी काम आपके एनालिटिक्स के थ्रू होते हैं। और जिसने फॉर्म नहीं भरा उसको कैसे टारगेट करना है, इसे बोलते हैं रीमार्केटिंग। तो वी विल टॉक अबाउट रीमार्केटिंग आल्सो। तो वेब एनालिटिक्स बहुत जरूरी पार्ट है। वेब मास्टर एक टूल है गूगल का, जो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट की रैंक कहाँ पे है गूगल में, और उस टूल के बारे में बात करेंगे हम SEO में। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, हमारे क्लाइंट थे, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, उनके साथ क्या था, नाउ ही इज वेरी रिप्यूटेड पर्सन, मतलब हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में बहुत अच्छा काम है उनका। बट आज से 10 साल पहले कोई केस हुआ था उनपे, वो जो केस था वो केस न्यूज में और मीडिया में बहुत हाइप में रहा, न्यूज पेपर में निकला, हिंदू और इस तरह के न्यूज पेपर में निकला। तो जब इस तरह के केसेस होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पे कोई केस हो जाए और हिंदू में या टाइम्स ऑफ इंडिया में निकल आए, तो जब भी कोई ये सर्च करेगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर पे जो न्यूज लिखी होगी ना,
वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। गूगल का इस तरह का सिस्टम है कि सबसे पहले न्यूज आती है पहले पेज पे। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को, तो देन यू विल फाइंड टॉप पे न्यूज ही आएंगी। सी, न्यूज ऊपर आ रही है, और बाकी नीचे भी आप आओगे तो ज्यादातर आपको न्यूज मिलेंगे। द प्रिंट देखो, न्यूज वाला आ गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स आ गया। तो जब पर्सन को सर्च करते हो तो न्यूज ज्यादातर आती है, तो उनके लिए वो नेगेटिव न्यूज थी। अब उनको वो नेगेटिव न्यूज यहाँ पे आती थी, उनको हटानी है, तो वो हट गई थी। उसमें से दो लिंक हट गए थे, एक नहीं हट पाया, हिंदू का नहीं हट पाया, उसका और तरीका फिर ढूंढा गया। तो ये जो चीज है इसको हम रेपुटेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि किसी ने रिव्यू गलत डाल दिया, अब उस रिव्यू को नेगेटिव है, उसको कैसे उसके इम्पैक्ट को जीरो किया जाए, या फिर उसके इम्पैक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, व्हाट इज द स्ट्रेटजी बिहाइंड टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो ये ब्रांड, वैसे ऑनलाइन रेपुटेशन छोटे स्केल पे ज्यादा लोग नहीं कराते और ना करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पे और बड़े लेवल पे जो सेलिब्रिटी लेवल है उनके लिए तो पूरी की पूरी एजेंसी ऑनलाइन रेपुटेशन पे काम करती है कि आपके बारे में कोई नेगेटिव सेंटीमेंट आया तो पॉजिटिव सेंटीमेंट कैसे क्रिएट करना है, कोई नेगेटिव न्यूज है उसको वरी डाउन कैसे करना है, उसको पहले पेज से हटाना कैसे, दूसरे पेज पे कैसे लाना लाना है, डिलीट कैसे करना है। वी विल टॉक अबाउट इट इन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अर्न मनी ऑनलाइन, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये है इसमें तीन चार टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। फ्रीलांस बिजनेस कैसे करते हैं, क्या क्या प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्रीलांसिंग काम उठा सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी तो यहाँ से की थी, एक ये प्लेटफॉर्म एक तरीके से जहाँ से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। सी, यू कैन सी द पोटेंशियल। ये एसईओ आता है, इस बंदे को $5 में सर्विस बेच रहा है और रिव्यू क्या है, 11,000। सोचो, 11,000 मल्टीप्लाइड बाई $5 इज इक्वल टू 55,000। इसको डॉलर से को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो इट्स गुड मनी, और इसको काम कर रहा है और पैसे आ रहे हैं। ऐसे ही मैं अपना भी आपको कुछ दिखाता हूँ थोड़ा सा, टू मोटिवेट। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ, बस आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इट कैन हैपन। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जब मेरे पास स्किल नहीं थी, मेरे को कोई एजुकेट करने वाला नहीं था, अगर आपके पास आजकल एजुकेशन है, नॉलेज है बहुत सारी, यूट्यूब पे बहुत नॉलेज, लोगों मतलब बहुत कुछ मिल जाता है, और कोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो मुझे आता है मैं आपको बताऊंगा, तो यू कैन डू इट ऑल्सो। तो ये वो अमाउंट है जो मैंने शुरुआत की थी। ये अब तो मैं इस पे काम नहीं करता, 2014 में ही बंद कर दिया था। बाकी अब मैं ऑफलाइन कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग में हूँ, तो अब ये काम नहीं आते इधर। 2012 में शुरुआत की थी मैंने, तो देट वॉज द फ्लो। शुरुआत बहुत स्लो हुई, देन यू कैन सी दिस। सो दिस, तो ये हम बात करेंगे कि हाउ आई डिड इट। और उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग में वैसे मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कि मैंने बहुत अच्छा काम किया वो ऐसा नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग मुझे पता है, लेकिन मैंने किया भी है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की है, वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी किया है, मतलब 1,000, 2,000, 4,000, मतलब 10-20 हज़ार रुपए का काम किया है, तो वो प्रोसेस क्या है जिससे आप कमा सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आप 10 रुपए कमा सकते हो तो आप उसी चीज को 10 बार मल्टीप्लाई करके 100 रुपए भी कमा सकते हो। तो आई विल टेल यू द प्रोसेस, देन मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। एंड लीड जनरेशन, लीड जनरेशन बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। लीड जनरेशन, लीड का मतलब क्या होता है? लीड इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पर्सन आपको, जैसे जैसे आप लोगों, जैसे कि रितिका जी हैं, अरुण जी हैं, प्रभजोत जी हैं, आप लोगों की लीड मुझे ऐड से मिली ना। आप सभी लोग फेसबुक ऐड से आए होंगे, तो वो ऐड के थ्रू कैसे टारगेट ऑडियंस से कांटेक्ट लेते हैं। आपका ईमेल लिया मैंने या व्हाट्सएप नंबर लिया, और व्हाट्सएप किया या ईमेल किया होगा तब आप आए होंगे। तो वो कैसे करते हैं लीड जनरेशन अपनी बिजनेस के लिए? जैसे मेरे लिए मेरा बिजनेस है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आपका अगर कोई बिजनेस है या आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आप कैसे करोगे? वी विल टॉक अबाउट दैट प्रोसेस। जैसे मैंने आपको वो दिया था, वेबसाइट पे दे रखा है डाउनलोड करने के लिए लीड मैग्नेट, भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को इसमें। लोकल एसईओ, व्हाट इज लोकल एसईओ? लोकल एसईओ इज सिंपल, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ब्यूटीशियन, ओके, नियर मी, दैट पार्ट, दीज थ्री रिजल्ट्स, ये लोकल एसईओ के रिजल्ट हैं। ये जो तीन रिजल्ट हैं यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो? अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसको यहाँ पे कैसे ऊपर कैसे लाओगे?
फॉर पर्टिकुलर कीवर्ड, तो दैट इज लोकल एसईओ। वी विल टॉक अबाउट होल रैंकिंग फैक्टर्स बिहाइंड लोकल एसईओ। देन दिस इज द कोर्स, ये पूरा कोर्स है जो इसमें है। अगर कुछ ऐसा आपको लगे, जस्ट अभी मैं फिनिश कर रहा हूँ, आप मुझे बताना कि ये इसमें रह गया है। वैसे मैंने कोशिश ये की, सब कुछ यहाँ लिख दिया है, बाकी और भी चीज़ें हैं इसके अलावा जो मैं कवर करूँगा, इसमें मेंशन नहीं है। मेथोडोलॉजी, तरीका क्या होगा पढ़ाने का? तरीका ये होगा कॉन्सेप्चुअल थियोरी। जैसे मैं आज आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सीखने से आपको क्या मिलेगा। तो सेम इस तरह की थ्योरी वाली एक क्लास होती है प्रैक्टिकल करने से पहले। जब आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अबाउट टॉपिक, देन वी विल डाइव इनटू प्रैक्टिकल ग्राउंड, और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आके हम उसको प्रैक्टिकली सामने करते हैं कि ये कैसे किया जाता है, कैसे वेबसाइट बनाएंगे, कैसे लॉग इन करेंगे, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल आपको सामने दिखाता हूँ मैं करके। फिर एक्चुअल प्रोसेस ये है, जैसे मैंने आपको आपको बताया भी था कि मेनली बिजनेस को फोकस में करते हुए बताता हूँ इसको मैं, और इसका सिंपल वही तरीका रहेगा कि इंट्रोडक्शन पहले टॉपिक का, देन वी विल टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट्स। जैसे फेसबुक ऐड है, तो फेसबुक ऐड में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऑडियंस है, ऑडियंस ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, और ऑडियंस को कैसे ढूंढेंगे, ऑडियंस बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के बाद, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सिंपल असाइनमेंट, फिर ऑनलाइन असेसमेंट, यानी आप गूगल के टेस्ट भी साथ में दोगे। जैसे ही मैं सपोज करो मैंने ये खत्म किया, गूगल ऐड, सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर दो पार्ट आते हैं, एसईओ एंड पीपीसी। सर्च इंजन ये अलग अलग टॉपिक है, मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, तो ये पीपीसी वाला पार्ट है। जो जैसे ये खत्म हुआ, वैसे ही आपका गूगल पे एक एग्जाम है पीपीसी का, आप वो एग्जाम दोगे, एग्जाम से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जॉब लग जाती है, मतलब ज़्यादातर, मतलब मैं कहूँगा कि 95%, जो कि आज की डेट में, अब तो और ज़्यादा रेशियो बढ़ गया है, मैंने देखा है जॉब कोर्स खत्म होने से पहले जॉब लग गई है। तो इंटर्नशिप या जॉब आपको मिल जाएगी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करने के लिए। कुछ कंपनियों से है कनेक्शन, बाकी ऑलरेडी जॉब मार्केट में है, तो मैं आपको जॉब भी भेजता रहता हूँ साथ में। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, हर एक बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जिसपे मैं जॉब, कोई भी आइडिया, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो, और ये जैसे माइंड मैप है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन, तो मैं जब पढ़ाऊंगा, मान लो ये है, अब आपको याद नहीं रहेगा क्या टॉपिक है, तो मैं आपको कोई पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं आपको यही माइंड मैप भेज दूंगा। कैसे? यहाँ से क्लिक किया, सेव एज या एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज पीएनजी, और जो पीएनजी डाउनलोड होगी वो पीएनजी मैं आपको दे दूंगा। तो आपका इस तरीके से आपके पास एक डेटा कंटेंट कह लो इसे, या वो डेटा रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस, ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट जॉब आफ्टर कंप्लीशन, वो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ इसका। ज्यादातर लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई जॉब के बाद कितना टाइम लगेगा जॉब का, तो 0 डेज, यानी अंडर, जैसे एसईओ खत्म किया मैंने, ज्यादातर केसेस में मैं कोशिश यही करता हूँ, बाकी स्टूडेंट नहीं करते। स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है, वो उन्हें लगता है पूरा कोर्स करके मैं सीखूं, जॉब करूं, तो दैट इज आल्सो गुड थिंग। मेरा मानना यह है कि अगर आपकी टाइमिंग कोई ऐसी है, पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकती है, तो जॉब करो साथ में। जैसे यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुए शुरुआत में, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक टॉपिक खत्म होते ही आप ये मान लो मार्केट की 40% जॉब्स के लिए रेडी हो। इवन अगर ये टॉपिक भी मैंने करा दिया, तो 80% जॉब के लिए रेडी हो आप। ये स्किल बहुत ज्यादा डिमांड में है, और जैसे ये कोर्स खत्म होता है, एक महीने के अंदर अंदर ये टॉपिक, 3 टॉपिक, 1 2 3, ये खत्म होते ही, एक महीने के अंदर खत्म होता है, वैसे ही मैं आपको जॉब के लिए भेज देता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी करा के जॉब के लिए भेज देता हूँ। तो मोस्टली लोग यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का फ्लो मैंने देखा है, उनके माइंड में रहता है कि पूरा कोर्स करके ही करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग, है ना। ओके, और दूसरा क्या है, व्हाट आर द कैरियर अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल, आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब प्रोफाइल हैं। एमबीए के बाद तो मार्केटिंग से करी, तो मार्केटिंग में ही जॉब मिल सकती है, एक दो और प्रोफाइल हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग के बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं बहुत सारे, इवन ट्रेनर बन सकते हो। डू यू हेल्प अस टू गेट गूगल सर्टिफिकेशन? यस, मैं कोर्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं चीटिंग नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको कोर्स ऐसा हो जाएगा कि आप कर लोगे, और फिर भी अगर जरूरत है तो तरीके बता दिए जाएंगे, यू कैन डू इट। कोशिश ये करो कि आप खुद से करो।
डू यू प्रोवाइड एनी ट्रेनिंग मटेरियल? तो ट्रेनिंग मटेरियल का आपको बता दिया, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा ये पूरा जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वॉइस एंड स्क्रीन टुगेदर, एंड मटेरियल में आपको ये माइंड मैप जिसके जिसको बेस बना के मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को एक्सप्लेन करूंगा वो चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया ये, तो अगर मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बनाया उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है और आपको कोई टॉपिक समझना है कि इसके बाद क्या करना है, तो यू कैन सी हियर ऑल्सो, क्योंकि हर एक स्टेप मेंशन करता हूँ उस पर मैं, तो आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरी लाइब्रेरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू विल सी माइंड मैप। तो काइंड ऑफ ये हर एक बैच के लिए अलग अलग माइंड मैप हैं, तो उनको दे दिए जाते हैं, दूसरा सिस्टम है उस पे होंगे अब। और क्या क्वेश्चन है? हाउ कैन आई पे फॉर माई ट्रेनिंग? पेमेंट के लिए कैसे भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। वैसे नाउ आई क्रिएटेड ए लिंक, इसके थ्रू ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, और बाकी पेमेंट पेटीएम या कैसे भी हो जाएगा। विल आई गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? मैं कोशिश ये करूंगा जब आप ट्रेनिंग के लिए आओ, अगर कहीं पैसे कहीं पे भी जाओ, यहाँ करो कहीं पे भी करो वट एवर, कोशिश ये करो कि आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने एक बिजनेस को सोच के जाओ कि मैं एक ब्लॉग बनाना है मुझे, या मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसपे मुझे प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो आप शुरू से जो भी ट्रेनर पढ़ाता है आप शुरू से वो इम्प्लीमेंट करते जाओ, और उसकी क्वेश्चन जो भी क्वेरी आती है पूछते जाओ। आप 100% पूरा प्रोसेस अपने हाथ से कर लोगे और अपनी वेबसाइट 3 महीने में आपकी ग्रो भी हो जाएगी, 3 महीने में आपकी बिजनेस ग्रो भी हो जाएगी, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, बस बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं सर मुझे अलग से वेबसाइट नहीं बनानी, आप ही दे दो। तो जब मुझसे कहते हैं तो फिर मेरे पास जो भी वेबसाइट्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, तो मैं फिर उन वेबसाइट्स को दे देता हूँ, मेरे क्लाइंट की जो भी वेबसाइट है आप उस पर भी काम कर सकते हो। तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल के लिए चीजें मिलती हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन वही पहले वाला है। विल आई बिकम एन एक्सपर्ट व्हेन आई गो थ्रू दीज कोर्सेस? तो इसका सीधा जवाब है, मुझे 8 साल हो गए और आई रियली हेजिटेट टू से एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। रीजन है उसका कि बहुत डायनामिक फील्ड है और इतना कुछ है सीखने को कि आप, मैं जैसे एसईओ के 4 प्रोजेक्ट एक साथ करता हूँ जिस टाइम, तो 6 महीने में एसईओ में आई फीड माई सेल्फ लॉट्स ऑफ नॉलेज इस बीच में, क्योंकि प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, साथ में इंडस्ट्री के साथ में रहना पड़ता है, चीजें पढ़नी पड़ती हैं, इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, तो आप फिर वही हो जाते हो। इस बीच में फिर क्या होता है, आपका दूसरा पार्ट छूट जाता है। तो एक तरीके से एक सिंगल पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग के हर एक डोमेन में एक्सपर्टाइज करना, दैट इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप सब अब क्या है, हर एक प्रोजेक्ट करते करते 8 साल से ये हो गया कि हाँ सब कुछ कर सकते हैं, बट ये कहो कि अगर आप 6 महीने को छोड़ दिया तो ऑब्वियसली नई चीज आ गई तो आप उससे पीछे हो गए ना। तो एक्सपर्ट बन सकते हो बट इट टेक्स टाइम, आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हाथ गंदे करने पड़ेंगे तब आप खुद को एक्सपर्ट कह सकते हो। और दैट्स इट, ये मेरे एंड से था, है ना? और आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ जानना है, तो देन जस्ट लेट मी नो, आई विल आंसर। ओके हाँ ये एक्सक्यूज मी सर, या प्लीज टेल मी, टेल मी। माय बेसिक नॉलेज फॉर कंप्यूटर इज नॉट टू गुड, सो विल दैट बी ओके? हाँ या क्योंकि आपका जो मोबाइल चलाते चलाते ना ह्यूमन माइंड का जो सेंस, मतलब टेक्नोलॉजी को, कम से कम ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने का ना माइंड बहुत ट्रेंड हो गया है, तो आप बहुत सारी चीजों को ऐसे ही सीख जाते हो ऐसे ही। आप अगर कंप्यूटर कभी भी ना पकड़ा होगा, आपने पकड़ा होगा कभी तो चलाया होगा, यस सर, हाँ, तो ऐसी कोई नहीं, हमें इंटरनेट का यूज करना है जो कि आप डेली यूज करते हो, बस डिवाइस बदल जाएगा, आप छोटे डिवाइस से बड़े डिवाइस पे काम करोगे, दैट्स इट, बाकी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, ओके सर। एंड इज द मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग आल्सो? है ना? मास्टर्स ये कोर्सेस अभी आ रहे हैं मार्केट में, एमबीए में, मतलब ये कोर्स इन्वॉल्व आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के साथ अभी हो रहा है ऐसा, बाहर की यूनिवर्सिटी करने लगी है, इंडिया में भी एक दो मैंने सुना है अभी, लेकिन आई एम नॉट श्योर विच वन। तो अब ये मेजर, जैसे पहले एचआर होता था, मार्केटिंग सेल्स होता था एमबीए में, तो उसी तरीके से अब डिजिटल मार्केटिंग प्राइमरी रहेगा ओके सर। जी। और बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे प्रभजोत जी, हाँ आपका सवाल क्या था? लेट मी चेक, लेट मी चेक।
सर जैसे कि आजकल ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं फॉर मतलब किसी भी चीज के, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है हमें उनको रिवील आउट करना है या कुछ भी करना है, तो उसमें हमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे बेनिफिशियल है? ओके सॉरी आई फॉर, ये बहुत सही बताया आपने, मैंने आपसे कहा था ना क्योंकि ये अब ये मैंने कोई डॉक्यूमेंट देख के नहीं, जो मुझे टॉपिक सही लगे वो लिखे हुए हैं डेमो के लिए, तो लेट मी एड योर आंसर हियर। ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे और ई कॉमर्स में हम बात करेंगे नंबर एक बू कॉमर्स। बू कॉमर्स का मतलब है ये वर्डप्रेस के थ्रू हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे ई कॉमर्स वाली, जिसमें ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो मैंने बनाई, ई चेक, जिस पे काम किया है, हियर इट इज दिस वन। अब ये जो वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट आप खुद से बनाई और आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो दैट इज कि मेरी खुद की वेबसाइट है और मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, हो गया, मतलब मेरी नहीं है ये किसी की, लेकिन आप एक तरीका ये है कि आप खुद की शॉप खोलो और बेचो। दूसरा तरीका क्या है, आप सामान बनाओ या किसी से लेके आओ और जो दुकानदार बैठा हुआ है उसको दो कि भाई बेच दे, मुझे तो बस पैसे चाहिए। तो एक दूसरा तरीका ये है, रीसेलिंग बोलते हैं जिसे। तो आप दूसरा तरीका क्या है उसको हम सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जो हैं इंडिया में, जैसे अमेजन, ठीक है, सेलर, इस अकाउंट में कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट, ये दो प्लेटफॉर्म के बारे में बता सर। क्योंकि मेरे पास अमेजन का और फ्लिपकार्ट का अकाउंट है, जैसे मैं परस्यू कर रही हूँ एक बिजनेस अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से एंड स्नैपडील से। स्नैपडील मे बी इज नाउ बैंड इन इंडिया, नॉट स्नैपडील, दैट क्लब फैक्ट्री, क्लब फैक्ट्री होगा, स्नैपडील तो इंडियन है, क्लब क्लब फैक्ट्री। तो उसमें सर मैंने अकाउंट ले रखे हैं कंपनी से, मतलब मैंने उन्होंने उसपे अपनी अकाउंट बना रखे हैं, तो मेरे प्रोडक्ट कंपनी सेल आउट करती है, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग इज डिजिटल मार्केटिंग हेल्पफुल इन दैट आल्सो, बिकॉज़ उसमें हमें लिस्टिंग वगैरह प्रॉपर बनानी होती है, सब कुछ करना होता है, प्रोसीजर्स, करेक्ट। तो ये इसके भी दो पार्ट है कि नंबर एक ये रहता है कि कुछ प्रैक्टिसेस हैं ये, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब अगर आप सारी फैक्टर्स पे काम कर लोगे तो दैट इज यूजफुल। जैसे मैंने एसईओ बताया आपको, जब एसईओ की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना, तो इसके अंदर अमेजन के अंदर प्रोडक्ट को ऊपर कैसे लाना है किसी भी कीवर्ड के लिए, सर वो प्रमोशंस वगैरह हमें कंपनी को बोलना होता है कराने के लिए, पीपीसी, पीपीसी ना, हाँ जी सर, हाँ। तो पीपीसी प्रोडक्ट कैसे हम, मतलब पीपीसी कैसे चलाते हैं, वो चीज मैं इसमें कवर करूंगा। डू यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर हम पीपीसी की बात आप खुद से सीख जाएं, तो ऐसा कुछ लगता है आपको, या फिर आपको थर्ड पार्टी से ही काम कराना है? नहीं सर, इट विल हेल्पफुल एज हमें उन्हें कम कंपनी को कम पैसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉर द पेड प्रमोशंस, जो हमें अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो टॉप पे आए, दैट पब्लिसिटी ज्यादा हो तो लोग उसे ज्यादा देखें। तो वो टॉप पे पैसे लगा के लाते हैं कैसे सर? उसके पेड है, वो उसके लिए पे करना पड़ता है। हाँ जी सर। अच्छा, तो ये चीज तो आप खुद से कर सकते हो, दैट इज पीपीसी पार्ट इन अमेजन सेलर अकाउंट, और फ्लिपकार्ट में भी ये है। जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना, ये वाला, ये सारे जितने भी हैं, ये दोनों चीजों के कॉपीड है फ्रॉम हियर, गूगल का कॉन्सेप्ट कॉपीड है एवरीवेयर, कैसे एड चलाना है वो वाला। तो ये इन डेप्थ आप ये पढ़ोगे, इवन मैं आपको खुद आपका अकाउंट होगा तो आपकी अकाउंट पे हम एक दो एड बना के रिजल्ट देखेंगे कि हाउ इट इज गोइंग। एंड सर जैसे ये मीशो ऐप है एंड समथिंग दैट जो आजकल रिटेलिंग कर रहे हैं ऑन व्हाट्सएप, ओके, उसमें क्या सिस्टम, मतलब क्या होता है? मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पे था जो अर्न मनी ऑनलाइन के केस में, और वो रहा आपका एफिलिएट, और इसके अंदर मीशो। मीशो क्या है? इट्स एफिलिएट प्रोग्राम। ये क्या करता है? प्रोडक्ट उनके सेल आप करो, यही है जी सर, उस पे हम अपना मार्जिन शो कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो सिंपल है उनका कॉन्सेप्ट,
यही एफिलिएट मार्केटिंग होती है. एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यही है. एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ. जैसे LIC के बारे में सुना है, LIC हाँ एजेंट जी है सर, हाँ जी ना? सर, तो LIC एजेंट जो होते हैं वो यही करते हैं कि LIC का प्रोडक्ट लेके बेचते हैं और उसके पीछे कमीशन मिलता है उनको, राइट? हाँ जी सर, सेम प्रोसेस है आपका एफिलिएट मार्केटिंग का, सेम. लेकिन बस ये इंटरनेट है, इसमें भी यही है. अब रियल लाइफ में क्या होता है, उनकी आप एजेंट हो, आपने रजिस्टर कराया, आपके नाम से हुआ, तो आपको पैसे आपको मिलेंगे. लेकिन इंटरनेट पे ये चीज कैसे ट्रैक की जाए, तो इंटरनेट पे चीज ट्रैक करने के लिए लिंक बनते हैं. जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनलाइज्ड लिंक है इस पेज का. अगर मैं ये पेज आपके साथ शेयर कर दूं, ये वाला लिंक, ये करूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन अब ये लिंक शेयर करूंगा, आप इसमें से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो इस बात का मुझे पैसा मिलेगा. तो ऐसे ही मीशो ने करा. मीशो ने थोड़ा डिफरेंट कर दिया. मीशो ने कहा कि आप ही डालो, आप ही बेचो, हम सेल करेंगे, हमें पता है तुमने बेचा ही, हमें पता चल जाएगा, हमारा ऐप है, अब आप बेचोगे हमें पैसे मिलेंगे. तो वेरी सिंपल प्रोसेस है, में कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है. जैसे ये भी ऐसा ही है, तो हम यही चीजें तो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू इट. इसमें मीशो भी आएगा. हाँ जी सर, ये सेम ऐसे ही अकाउंट आई डू हैव ऑल्सो। हाँ सेम वही रहता है, इसमें थोड़ा सा. हाँ तो इसका आप हाँ देखो, जी जैसे मैंने ये सर, लिया और ये किसी को भेजा और उसने कुछ परचेज किया, तो मैंने कहा ना, मेरा एफिलिएट में ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता मैं, लेकिन फिर भी स्टिल एक आइटम गया है. ये कब का है, हिस्ट्री कब की आ रही है, डेट डेट ये रहा, ऑल टाइम देखें, लास्ट 30 डेज देखते हैं. अप्लाई कुछ हुआ है 30 डेज में? कुछ नहीं हुआ. अगर पूरी हिस्ट्री देखेंगे तब मिल सकता है. हाँ तो अभी पिछले महीने तो हुआ है काम, अक्टूबर सितंबर, सितंबर में हुआ था कुछ. तो ये वही चीज है कि आपका प्रोडक्ट गया, जैसे ये रहा, 350 रुपये आए हैं, ऑटोमेटेड है, मतलब एक वेबसाइट पे लिंक डाल रखे हैं, ट्रैफिक आता है, वहां से सेल हो रहा है. तो 21 ऑर्डर सेल हुए, उनमें से 19 गए, 5 रिटर्न आ गए. तो रिटर्न आए उसका कुछ नहीं मिलेगा, टोटल 6,000 का प्रॉफिट हुआ मेरी वजह से अमेजन को, उस बात के उसने मुझे 530 रुपये दिए हैं. और वो जो लिंक मैंने क्रिएट किया था, जैसे यहाँ पे ये करा, ये लिंक मैंने अपनी वेबसाइट पे रिकमेंडेशन पे डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने डाला, दिस वन, ये हाउ टू ड्रेस अप वर्ड नहीं है, ड्रेस है. जैसे ये लिंक है, दैट इज माय वेबसाइट, मतलब जस्ट पार्ट टाइम का, मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट है, ऐसा ही है, साइड प्रोजेक्ट है. तो ये रैंक कर रहा है, यहाँ पे जब भी कोई आ रहा है तो अब मैं आपको पूरा क्लास ही देने लगा हूँ. ये देखो, ये रहा चेक प्राइस. मेन चीज है ट्रैफिक जनरेट करना, एफिलिएट मार्केटिंग कुछ नहीं है, मेन जो है वो ट्रैफिक है. बाकी तो जब ट्रैफिक आ गया तो उसको ऑटोमेटिक ये सेल हो रहा है ना, यहाँ से लोग क्लिक कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, अगर ये परचेज कर लेगा कोई, आई विल गेट पेड, सिंपल है. मेन जो बात है वो ट्रैफिक जनरेट करना, हम उसी पे बात करेंगे ज्यादातर. बाकी ये चीजें तो बहुत ईजी है, सिंपल प्रोसेस है जी. सर, और अगर हमें इस टाइप की मतलब पेड इंटर्नशिप्स चाहिए हो तो वो हमें कहाँ से प्रोवाइड होंगी? हाँ, ट्रैक कोर्स करने के बाद, हाँ जी सर, डोंट वरी, मैं आपको सारे जॉब्स का रिक्वायरमेंट आपको दूंगा. मेरा लास्ट बैच था, तो लास्ट बैच में 8 बच्चे थे, तो 8 में से 8 कोर्स खत्म होने से पहले जॉब करने लगे थे. लास्ट क्लासेस उन्होंने कर भी नहीं पाए, करे नहीं, नहीं आए बहुत सारे, क्योंकि जब जॉब लग गई तो कोई क्यों कर रहा है, लेकिन ये गलत चीज है, आना चाहिए. तो ज्यादातर जॉब्स में मेरे जो जिनके लिए मैं काम करता हूँ, क्लाइंट्स के लिए कंसल्टिंग का, उनके यहाँ से जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है ज्यादातर, है ना? अगर वहां से चीज नहीं बनेगी तो बाहर भी इतनी जॉब होती है जिनके लिए मैं आपको प्रिपेयर करूंगा, इंटरव्यू कैसे देना है, क्या करना है, डोंट वरी अबाउट सर। और ये फॉरेन वगैरह कंपनीज में मतलब बेनिफिशियल है डिजिटल मार्केटिंग? इट. ये कुछ ऐसा है कि जैसे कैसे बताऊं, कंपटीशन हो सकता है बट रिक्वायरमेंट तो अब हर जगह है, कंपटीशन मतलब बढ़ेगा. जैसे हाँ जी. जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा सेटल होता है कि जट आई गो वांट टू गो फॉरेन, ठीक है. तो वहाँ पे इस कंपनी के उसके बाद मुझे मास्टर्स नहीं करनी है, आई जस्ट वांट टू परस्यू जॉब, तो ओके, उसमें आपकी हाउ आवाज. कैन आई गेट हाँ हेल्पफुल मतलब? हाँ तो सिंपल है. अगर मुझे, एज ए राइटर हूँ मैं, ठीक है, और मैं, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे हायर करे या न्यूयॉर्क टाइम्स हायर करे मुझे, सेम स्किल ही तो चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात?
बस मुझे ये बताना कि आपके सवाल का जवाब मैं राइट वे में दे रहा हूँ या नहीं। एक्चुअल में स्किल वही है, हर जगह वही चलती है, इंटरनेट है। इंडिया में जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो आप फ्लिपकार्ट यूज करेगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, वही पे यूएस में बैठा बैठा अमेजन वही काम कर रहा होगा यूएस में, वही इंडिया में कर रहा है, उसी तरीके से खुद को प्रमोट कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो जो सेम स्किल की डिमांड हर जगह होती है। अच्छा ऐसे देख लेते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट होती है ना, आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, पीपीसी जॉब इन एनवाईसी, लेट्स सी। और जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इसको देखते हैं, एनवाईसी की जॉब कहाँ, ये रही, सी रही, ये रही, ये रही, सी। सारी वही चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पीपीसी कैंपेन कैसे बनाएंगे, एड, सब कुछ यही पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो कोई भी कहीं भी कंपनी हो आपको वही मिलना है। जैसे मैं यहाँ पे बार्क पे भी काम करने लगा हूँ अब, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लीड्स आती हैं, तो लीड में भी रिक्वायरमेंट वही होती है जो यहाँ इंडिया के लोगों को, इंडियन क्लाइंट के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वही इन्हें कराना है। जैसे ये रहा दिस वन, ओके, लुकिंग फॉर एसईओ स्पेशलिस्ट, डिटेल देखो, एसईओ सर्विसेज चाहिए इनको, एसईओ सर्विसेज में क्या चाहिए, रैंकिंग कैसे बढ़ेगी बिंग पे, स्ट्रक्चर कैसे सही करें, बैकलिंक, प्रमोट वेबसाइट, रैंक ऑन गूगल, सिंपल है, यही सारे काम हम इंडिया में करते हैं। मतलब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही सारी चीजें हैं। तो ऑब्वियसली अब वो स्किल आपको ये आ गई, अब अर्थ के किसी भी कॉर्नर पे अगर ये स्किल चाहिए तो चाहिए, सिंपल है। बस ये इतना, बस एक प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे पैसा थोड़ा कम मिलेगा, वहां ज्यादा मिलेगा, बस ये है, नथिंग एल्स। हाँ जी सर, क्लियर है, थैंक यू सर। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी चीज है ना। हाँ जी सर, थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ और मतलब क्वेरी हो तो प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, विल वेब डिजाइनिंग बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स? वेब डिजाइनिंग इस तरह से नहीं है कि HTML या PPC, सॉरी HTML या कोडिंग वाला पार्ट हो, कोडिंग वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है इसमें। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वेबसाइट है, जैसे अभी मैंने रीचेक दाना दिखाई और एग्जाम्पल के तौर पे दिस वन, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मतलब अभी कल से शुरू किया है। तो आप देखेंगे कि ये वेबसाइट है, मुझे बनानी है, तो यहाँ पे मुझे कोड नहीं लिखना होगा, ये पूरी वेबसाइट बनेगी कोड। अब जैसे मैंने कल ही मान लो एक पेज बनाया था, दिस वन, विदाउट एनी कोडिंग ये पेज बनाया है। तो मतलब वेबसाइट की ऐसे कोई जरूरत, मतलब एडवांस, मतलब आपको सिखाया जाएगा वेबसाइट मेकिंग, लेकिन कोडिंग नहीं सिखाई जाएगी, कोडिंग के बगैर ये सब बनाया। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट्स बिल्ट विद कोडिंग और बिल्ट विदाउट कोडिंग? ओके, वैसे ऐसा कोई यूजेबिलिटी के सेंस में तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं इसे यूज कर रहा हूँ अभी एज ए एंड यूजर, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। बट जब मैं ये बताता हूँ तो आप, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, कोई डिमांड है किसी की, क्लाइंट की, कोई आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि जैसे एक तरह से ये टूल है जो वर्डप्रेस सिखाता हूँ, इसमें मैं इन डेप्थ बताता आपको, तो डिफरेंस कुछ नहीं आता। लेकिन क्या होता है ना, जो कोडिंग जिसको आती है वो चीजों को कस्टमाइज इजीली कर सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थीम बेस्ड है, प्लगइन बेस्ड चीजें हैं सारी। यानी आपको कोई काम चाहिए, जैसे आपको चैट का बॉक्स चाहिए या आपको फॉर्म चाहिए, तो आप खुद से नहीं डिजाइन कर रहे, ऑलरेडी एक कंपनी है जिसने फॉर्म दे रखा है फ्री में, आपको एक टूल ऐप दे रखा है ऐप, तो उसका ऐप का जो डिजाइन होगा वही डिजाइन काम करेगा, बस इतना डिफरेंस आता है। लेकिन ऑलरेडी कंपनियां अप टू द मार्क या फिर मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चीजें क्रिएट करती हैं। तो समझा, जब आपका डिपेंडेंसी किसी चीज पे होती है ना, तो आप ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते, और जब आपको कोडिंग आती है तो आप खुद से चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बस इतना डिफरेंस है। बाकी मुझे कोई डिफरेंस अब तक लगा नहीं, मतलब 40-50 वेबसाइट तो मैंने अपने हाथ से बनाई हुई है और मुझे कोई ऐसा डिफरेंस लगता नहीं है। ओके सर, थोड़ा कम कभी कभी फंस जाते हैं, कभी कभी जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो गई कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको छोटा करो, ये अब कुछ चीजें तो यहाँ सेटिंग में हो जाएंगी, कस्टमाइजेशन में जो उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रीडम दे रखी है एडिट की, वो तो हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं दे रखी हैं, वो कैसे करोगे, है ना,
वो तो कोडिंग वाला ही बंदा करेगा ये। और कोई सवाल? अरुण जी थोड़ा आप अपने बारे में बताइए। तीनों लोगों का समझ आया मुझे कि ये लोग तो जॉब ओरिएंटेड, प्रभजोत जी, रितिका जी और हरमीत जी, आप तीनों लोग एक साथ हैं क्या? दो यस सर तीनों ही लोग साथ हैं। ओके, हरमीत ने मुझे यस बताया था। हाँ ये राइट 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 राइट। अरुण जी आ रही देर। मैं काम करता हूँ, चलो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो। और मुझे लग रहा है तीनों लोगों ने मिलके सारी क्वेरी पूछ ली है, अब तो नहीं होगी आई डोंट थिंक, है ना? तीनों लोगों का एक ही। हाँ वही मैं कह रहा कि हरमीत जी को भी बात हुई मेरी, वो उन्हें भी बाहर जाने का प्लान था, और शायद रितिका जी ने भी उसी के रिगार्डिंग को मुझे क्वेश्चन किया था, नो राइट? सर, मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है अटिल अच्छा नाउ। ओके दैट्स गुड। नहीं जैसे कि आपकी क्वेरी थी तो आई थॉट कि यू हैव प्लान दैट काइंड ऑफ प्लान ना। नो सर, ओके दैट्स गुड दैट्स नॉट गुड। मैं एक काम करता हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ वैसे 1 तारीख से मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ ये वाला, तो मैं एक लिंक भेज देता हूँ काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा। ये लिंक है येट। इस। सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम हैविंग माई एग्जाम्स ऑल्सो, सो विल यू कोऑपरेट फॉर टाइम? एग्जाम कब तक चलेंगे आपके अभी? इट्स फ्रॉम 19th to 28th of December। ओके 19 to 28, मतलब आपको 19 तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाए 1 घंटे में, वो तो नहीं नो है? सर, हाँ 19 to 28 यस सर, देख लेंगे। आप दो चार लोग होंगे ऐसे तो हम इन कन्विंस। एग्जाम डेज आई कैन टेक क्लासेस इन इवनिंग आल्सो, दैट्स नॉट एन इशू, बट इन मॉर्निंग दे विल बी देयर। अरे टोटली फाइन, टोटली ओके। क्यों ऐसा नहीं होगा ना कि अब आपके इस बैच के चक्कर में आपकी रेगुलर स्टडी को खराब किया जाए? कोशिश ये करेंगे कि पोस्टपोन करें, या फिर आपकी मैं अलग उस बैच की अलग क्लास लूँ किसी तरह, अगर नहीं ले पा रहे और मुझे लेनी पड़ रही है, या फिर बैच के लोग कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। कोशिश ये होती है कि सभी बैच के एक साथ चलें, एक दो लोगों को प्रॉब्लम है तो उसके साथ कोऑपरेट करें सभी, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, टेंशन मत लो। अगर कुछ होता भी छूटता भी तो आपकी अलग क्लास ले लेंगे। ओके सर, थैंक अरुण जी एनीथिंग? मैंने ये लिंक भेज दिया है सभी को, है ना? अगर समझ आए और कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा मेरा, और अगर नहीं है तो देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके देन, आई थिंक मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, है ना? 45 मिनट कह के ये 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। देन टेक केयर, है क्लास मतलब सेशन क्लोज करें। यस सर, थैंक यू। थैंक यू अरमी, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।